हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने एसएससी सीजीएल 2022 का फॉर्म भरा है तो और फॉर्म भरते वक्त अगर आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं तो इन गलतियों को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कौन सी गलतियां इंप्रूव की जा सकती हैं, कौन सी गलतियां इंप्रूव नहीं की जा सकती, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो गलतियां आपने फॉर्म भरते वक्त की है उसका क्या इंप्लीकेशन, क्या प्रभाव पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्या आपको रिजेक्ट किया जाएगा या सेलेक्ट किया जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो। दोस्तों, फॉर्म भरते वक्त जिस सेक्शन में सबसे ज्यादा गलती होने का चांस होता है वो होता है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में। क्या होता है कि फोटो का जो प्रिस्क्राइब साइज है वो 20 केबी से लेकर 50 केबी तक का होता है और सिग्नेचर का साइज 10 केबी से लेकर 20 केबी तक का होता है। अक्सर हम जो फाइल अपलोड करते हैं उसका साइज इस गिवन रेंज में नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि फाइल को कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करके अपलोड करने की कोशिश करते हैं। लाइक मान लीजिए मेरा फोटो पहले 70 केबी का था, अब उसका रेजोल्यूशन घटा के, क्वालिटी घटा के हम उसको अपने रेंज में तो ले आया, लेकिन उसकी क्लैरिटी कितनी है इस पर हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं और जल्दबाजी में उसी को अपलोड करके फाइल सबमिट कर देते हैं। यही काम हम लोग सिग्नेचर के साथ भी करते हैं। 10 से 20 के भी तक का फाइल होना चाहिए, लेकिन कई बार उसको हम लोग कंप्रेस करने लगते हैं, फाइल साइज को, उसका रेजोल्यूशन घटाने लगते हैं, तो सिग्नेचर को हम लोग कंप्रेस कर देते हैं और सिग्नेचर का जो मान लीजिए इतना लेंथ है आपका सिग्नेचर का, वो चिपक के इतना हो जाता है, छोटा सा हो जाता है, तो उसमें सिग्नेचर की जो क्लैरिटी है वो कंप्लीटली खत्म हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि हमने सही फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जब एडमिट कार्ड रिलीज करने की बात होती है तब आपको यह पता चलता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो मेरा सजेशन आपको यह है कि अगर आप प्रो हैं इस लाइक फोटो एडिट करने में, रिजोल्यूशन चेंज करने में, अगर आपको इसका आइडिया है तब तो आप खुद से अपलोड कीजिए और आराम से संयम के साथ अपलोड कीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी होती है, आप नए हो, आपने पहले कभी नहीं किया है, तो डेफिनेटली आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लो, साइबर कैफे चले जाओ या फिर किसी फ्रेंड की हेल्प ले लो जिसको इन सब चीजों का आइडिया होगा। इससे क्या होगा, इससे आपको अश्योरेंस हो जाएगी कि मेरे फोटो की क्लैरिटी भी बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई और जो प्रिस्क्राइब साइज है उसमें भी मैं सक्सेसफुली फोटो को और सिग्नेचर अपलोड करने में सक्सेसफुल हुआ। बहुत लोग ऐसा भी रिकमेंड कर रहे हैं कि आप अपने फोन के कैमरे को यूज करके अपना और अपने सिग्नेचर का फोटो अपलोड कर सकते हो। तो हाँ, ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा 100%, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा इस पॉइंट में रिस्क लेने से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ फोन से फोटो खींचना ही एनफ नहीं होता है, आपके फोटो में प्रॉपर क्लैरिटी है कि नहीं। और आपको पता होना चाहिए कि एसएससी जो एडमिट कार्ड इशू करता है और जो आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्यूटराइज सिस्टम स्कैन करता है, ठीक है, कोई ह्यूमन आपका फोटो या एडमिट कार्ड को वेरीफाई नहीं करता है। तो यहाँ पे आपके लिए रिस्क हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो फोटो अपलोड करते हैं वो स्टूडियो में जाके खिंचवाते हैं या फिर स्कैन करवाते हैं उसको और उस फाइल को फिर लेके अपलोड करते हैं। अगर आप फोन से खींच के अपलोड करोगे तो हाँ, क्लैरिटी शायद हो, लेकिन फॉर्मेट शायद वो ना रह जाए और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू स्कैनिंग होती है आपके एप्लीकेशन की वो प्रॉपर ना हो और आपका फॉर्म शायद रिजेक्ट हो जाए। मैं पूरे कन्विक्शन के साथ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्क तो है। तो मैं कहूँगा कि जिस चीज़ का एसोसिएशन आपके करियर के साथ है उसमें आप चांस ना ही लें तो बेटर है, थोड़े पैसे खर्च कीजिए। एसएससी के लिए अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम 100 रुपये लगते हैं, बहुत लोगों को तो 0 रुपया ही लगता है, और फोटो और सिग्नेचर के लिए अगर आप 50-60 रुपये खर्च कर देते हैं तो आई थिंक ये वर्थ है, एटलीस्ट आप अश्योर्ड हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पार्ट में आपका जो भी डिटेल है दोस्तों वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स अब चेंज किया जा सकता है। पहले इसमें लिमिट था कि आप 2 बार ही रजिस्ट्रेशन पार्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, बट अब ये लिमिट हटा दी गई है। किसी भी तरीके का आपको चेंज करना है अपने नाम में, अपने आधार कार्ड में, अपने किसी भी पर्सनल डिटेल में, ईमेल आईडी में, फोन नंबर में, सब चेंज आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन पार्ट में। लेकिन एप्लीकेशन पार्ट की मैं बात करूं, लाइक आपने एसएससी सीजीएल का जो फॉर्म भरा रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट करने के बाद, वो फॉर्म में आपने जो डिटेल डाला वो फाइनल है, वो चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन एसएससी ने एक प्रोविजन दिया है कि 13 अक्टूबर को जब एसएससी सीजीएल 2022 का जो एप्लीकेशन डेट खत्म होगा उसके बाद 1 या 2 दिन का एक विंडो ओपन करेगी एसएससी, उस 1-2 दिन में आप जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है एप्लीकेशन पार्ट में उसको भी आप एडिट मॉडिफाई कर पाओगे। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आपको कोई भी ऐसा डिटेल आपने फिल किया है उस फॉर्म में जिसमें आपको डाउट है, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद प्रॉब्लम हो सकती है, उसको आप रेक्टिफाई कर लेना। पैसे लगेंगे लेकिन ये मैं कुछ मैटर नहीं करता, ये जो पैसा लगेगा इसमें अगर आपको अश्योरेंस थोड़ी सी भी मिल जाती है ना तो इस पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। तो आप पैसे के बारे में मत सोचना, कोई भी चेंजेस आपको करने हैं, कुछ भी गलतियां आपने कर दी हो, लाइक आपने मान लीजिए 10th का रोल नंबर और 12th का नंबर रोल नंबर इंटरचेंज कर दिया हो, या पापा के नाम के सामने मम्मी का नाम लिख दिया हो, या पापा का नाम का स्पेलिंग गलत है, कुछ भी गलती आपने की है जो शायद मान लीजिए बहुत बड़ा इशू आपको क्रिएट ना भी करे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, स्टिल उसको रेक्टिफाई कर ही लीजिएगा पैसे दे के, वहां पे आप रिस्क मत लीजिए। एक बात और, एग्जाम के लिए अप्लाई करने के बाद जब आप अप्लाई कर देते हो उसके बाद जब आप पेज पे आते हो अपने डैशबोर्ड
बोर्ड पे, तो वहां पे कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ आपको वहां पे दिखता है, वो कंप्लीटली नॉर्मल है। किसी भी इंसान ने अगर अप्लाई किया है तो उसको डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट यही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, अगर आपको ऐसा दिख रहा है मतलब आपने अपना पार्ट कंप्लीट कर दिया है। वेरीफाई नहीं किया गया है एसएससी के द्वारा, जो कि वो करके एडमिट कार्ड रिलीज करेगा, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे, प्रोविजनल बेसिस पे आपने एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया है। और मान लीजिए माइनर कुछ गलतियां आपने नहीं चेंज की, इग्नोर कर दिया, छोड़ो यार क्या होगा, डीवी में मैनेज हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इस बार डिपार्टमेंट करवाएगी आपकी डीवी। अभी तक एसएससी करवाती थी पहले, उसमें क्या होता था कि एसएससी में जो ऑफिशियल होते हैं वो कई बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले ऑफिशियल बैठे होते हैं, तो बहुत ही लाइटली वो लोग कई बार डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। लेकिन अगर डिपार्टमेंट में आपका डीवी होगा तो वहाँ पे ऑफिसर लेवल के लोग आपका चेक करेंगे डीवी, और वहाँ पे अगर आपने छोटी सी भी कुछ गलती की है तो पहले तो आपको अच्छे से सुनाएंगे, बेइज्जत करेंगे, और हो सकता है कि आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाए कोई अगर सिग्निफिकेंट गलती आपने की है और जिसको आपने अभी इग्नोर कर दिया पैसे बचाने के चक्कर में। तो पैसे बहुत कमाओगे आप, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप समझ रहे हैं, लेकिन अभी अगर आपने कंजूसी कर दी या लापरवाही बरत दी तो फिर ये आपके करियर के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए प्लीज रिस्क मत लीजिए। और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ना एक रिस्पॉन्सिबल आदमी के चरित्र को दर्शाता है, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों का कोई कितना ख्याल रखता है इसी से साबित होता है कि वो पर्सन इन जनरल कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितने रिस्पॉन्सिबली वो अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा, ठीक है, इससे भी एक आइडिया लगता है। अब फोटो अगर आपने थोड़ी बहुत भी गलत अपलोड कर दी, सिग्नेचर गलत अपलोड कर दी, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। और माइनर कुछ कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए कि 12th के रोल नंबर की जगह आपने 10th रोल नंबर डाल दिया, तो ये एडमिसिबल है, ऐसा नहीं कि एडमिसिबल नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट कराने वाला है डीवी तो वो एग्जैक्टली क्या स्टेप लेगा ये हम लोग पक्के तौर पे नहीं कह सकते, तो बेटर है कि हम लोग सब कुछ अपना श्योर करके चले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें मैं बातें करूंगा कि एसएससी सीजीएल 2022 के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, मैंने क्या गलतियां की थी, फिर क्या इंप्रूवमेंट मैंने किया अपने प्रिपरेशन में, स्ट्रेटजी में, ताकि मैं अपने सिलेक्शन को श्योर कर पाया। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।